गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स पढ़ा था, देन एंटीडिसेप्टिक्स एंड डायुरेटिक्स। ओके, डायुरेटिक्स में हमने देखा था कि पुनर्नवा और गोखरू जो होते हैं वो एज ए डायुरेटिक वर्क करते हैं। देन ईपिकाकुन्ना जो है वो एंटी डिसेंट्रिक एक्टिविटी शो करता है। देन ईपिकाकुन्ना हम एमोबिक डिसेंट्री, बैसिलरी डिसेंट्री, देन बैलेंटीडल डिसेंट्री एंड सीजोस्टोमल डिसेंट्री में यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। टर्मरिक जो होती है, सॉरी टर्मरिक, नीम, बेंजोइन, आयोडीन, दिस आर दी नेचुरल ड्रग्स विच आर यूज फॉर दी एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट पर्पज। ओके, देन नेक्स्ट ड्रग इज एंटी मलेरियल्स। ओके, नेक्स्ट ड्रग इज एंटी मलेरियल्स। दिस आर दी ड्रग्स विच आर यूज इन प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, द डिसीज कॉल्ड मलेरिया ऑक्यूर्ड ड्यू टू इन्फेक्टिशियस इन्फेक्शंस बाय फोर स्पेसिस ऑफ प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम। ओके, एंटी मलेरियल्स क्या है? तो दीज आर दी ड्रग्स विच आर यूज इन द प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज होते हैं उसे बोलते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स। ओके, तो ऐसे सॉरी एंटी मलेरियल ड्रग्स जो होते हैं वो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मलेरिया जो है वो कौन से स्पेसिस से होता है या फिर कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जिससे मलेरिया होगा? तो प्रोटोजोआ के कुछ स्पेसिस है जिससे मलेरिया हो सकता है। तो प्लाज्मोडियम स्पेसिस जो है उससे मलेरिया होता है। ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम स्पेसिस ऑफ प्रोटोजोआ। तो प्लाज्मोडियम स्पेसिस में कौन से स्पेसिस है? तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, स्पाज्मोडियम मलेरी एंड स्प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम वीवैक्स। ओके, फोर स्पेसिस है जिससे मलेरिया होता है या फिर मलेरिया इन्फेक्शन होता है। फर्स्ट है प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वीवैक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम फाल्सी पैरम। ओके, दिस फोर स्पेसिस आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शन ऑफ मलेरिया। ओके, द डिसीज शो द पीरियोडिक सिम्टम्स लाइक, मलेरिया में कौन से सिम्टम्स दिखते हैं? तो शिवरिंग, ओके, ठंडी लगती है हमें, फीवर आता है और प्रोफ्यूस स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। अगर ये सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं तो किसके सिम्टम्स हैं? मलेरिया के। द डिसीज कॉजिंग स्पेसिस गेट इन्फेक्टेड इनटू ह्यूमन बॉडी ड्यू टू बाइट्स ऑफ फीमेल्स ऑफ सर्टन स्पेसिस ऑफ एनाफेल्स मॉस्किटो। द लाइफ साइकिल ऑफ सच पैरासाइट इज कंप्लीटेड इन फीमेल एनाफेल्स मॉस्किटो एंड ह्यूमन्स। ओके, तो ये जो मलेरियल डिसीज है, ये जो स्पेसिस है प्लाज्मोडियम के जो स्पेसिस है उससे होता है, लेकिन वो ह्यूमन बॉडी में कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है या फिर इन्फेक्शन कैसे होता है ह्यूमन बॉडी में मलेरिया का? तो ये जो स्पेसिस होते हैं ये इसके जो फीमेल स्पेसिस होते हैं, ओके, वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं। ह्यूमन बॉडी में एंटर करने के बाद में वो एनाफिल्स मॉस्किटो के स्पेसिस हमारी बॉडी में जनरेट करते हैं। ठीक है, फीमेल स्पेसिस ऑफ एनाफिल्स मॉस्किटो वो जनरेट करते हैं, और वो जो पैरासाइट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो जो होते हैं वो क्या करते हैं? तो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ओके, मलेरिया की एक साइकिल होती है, कैसे मलेरियल फीमेल्स जो होती है वो हमारी बॉडी में एंटर करती है, कैसे वहाँ पे दो पैरासाइट्स फॉर्म होते हैं, कैसे मेल और फीमेल पैरासाइट फॉर्म होते हैं, वो कैसे उनकी जनरेशन जो होती है वो बढ़ती है, देन कैसे फीमेल मॉस्किटोज जो होते हैं वो एनाफिल स्टेज में जाते हैं, फिर वो कैसे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ये पूरी मलेरिया की एक साइकिल है। ओके, मलेरियल्स आर दी कंपाउंड्स, सॉरी एंटी मलेरियल्स आर दी कंपाउंड्स विच एक्ट बाय आइदर ऑफ दी फॉलोइंग वेज। ओके, एंटी मलेरियल कंपाउंड्स जो है उनका
उनकी मेकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो कैसे मलेरिया की जो साइकिल है उसको ब्रेक करेंगे या फिर वो कैसे मलेरिया को ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है कैजुअल प्रोफाइलैक्टिक्स। ओके, सच ए टाइप ऑफ ड्रग्स आइदर प्रिवेंट द मैचुरेशन ऑफ द स्पोरोजॉइड्स इन द इन्फेक्टेड लीवर सेल्स और इरिथ्रोसाइटिक इन्वेंशन और दे डिस्ट्रॉय देम। दिस टाइप ऑफ ड्रग्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी टिश्यू सीजोंटिसाइड्स। ओके, तो ऐसे ड्रग्स कैजुअल प्रोफाइलैक्टिस ऐसे ड्रग्स होते हैं जो स्पोरोजॉइड्स जो होते हैं मलेरियल साइकिल में जो स्पोरोजॉइड्स होंगे वो कहाँ पे ग्रो होते हैं, तो लीवर सेल्स जो होती है या फिर इरिथ्रोसाइटिक इन्वेंशन जो होता है वहाँ पे उनकी ग्रोथ होती है, तो वहाँ पे जाके उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, स्पोरोजॉइड डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फर्दर इन्फेक्शन जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुई फर्स्ट स्टेप, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये एक मैकेनिज्म है ड्रग का। सपोज हमने कोई ड्रग दिया, वो स्पोरोजाइट को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, तो इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी टिश्यू सीजोंटिसाइड्स, प्राइमरी टिश्यू सीजोंटिसाइड्स, क्योंकि वो ये लीवर सेल में ही स्पोरोजॉइड्स को या फिर मलेरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। सेकेंड है सप्रेसिव्स, दे आर ऑल्सो टर्म एज अ सीजोंटिसाइड्स, इनको भी सीजोंटिसाइड बोलते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, दे इनिबिट द इरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी एंड कॉन्सिक्वेंटली प्रिवेंट द रप्चर ऑफ इन्फेक्टेड इरिथ्रोसाइट्स। बाय दिस वे इन्फेक्शन इज नॉट नेसेसरीली रिमूव बट द रिगर्स एंड इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर आर प्रिवेंटेड। ओके, सप्रेसिव मीन्स ये इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करते, ये क्या करते हैं, जो जहाँ पे सीजोंटिसाइड्स जहाँ पे स्पोरोसाइट्स फॉर्म हो रहे हैं वहाँ पे जाते हैं, इन्फेक्शन जो होता है उनको वो क्यूर नहीं करते, लेकिन जो सेल्स जिसमें इन्फेक्शन हुआ है वो सेल्स रप्चर नहीं होती। मीन्स सेल अगर रप्चर नहीं होगी तो वो जो भी पैरासाइट्स उसमें फॉर्म हुए हैं वो फर्दर इन्फेक्शन कॉज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो इन्फेक्शन होता है उनको क्यूर नहीं करती, लेकिन इन्फेक्शन से होने वाला जो फीवर है वो फीवर नहीं होता, बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। अगर सेल रप्चर होंगे तो इन्फेक्शन और बढ़ेगा और बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं होता। जो टेम्परेचर बढ़ने वाला है उसे ये सप्रेस कर देते हैं, टेम्परेचर हमारा नहीं बढ़ता। अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो हमें पता नहीं चलता कि हमें मलेरिया हुआ है या फिर हमारा जो भी इन्फेक्शन है वो अंदर के अंदर इन्फेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रिवेंशन है वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है हमारा वो कंट्रोल में है। ठीक है, देन नेक्स्ट है रेडिकल क्यूरेटिव्स। नेक्स्ट इज रेडिकल क्यूरेटिव, दिस टाइप ऑफ एंटी मलेरियल ब्रिंग्स आउट इरेडिकेशन ऑफ इरिथ्रोसाइटिक्स एज वेल एज एक्सोइरिथ्रोसाइटिक्स सीजोगेनी, दिस रिजल्ट इन प्रिवेंशन ऑफ रिपेल्स। ओके, ये जो ड्रग्स होते हैं रेडिकल क्यूरेटिव्स, ये क्या करते हैं, इरिथ्रोसाइटिक एंड एक्सोइरिथ्रोसाइटिक्स मीन्स जो सेल्स में है उनको भी और जो सेल के बाहर है उनको भी वो डिस्ट्रॉय करते हैं, जो सीजोगनी होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करते हैं। इससे जो प्रिवेंशन जो रिप्लिकेशन होता है जो मॉस्किटो है उसका जो रेप्लिकेशन है वो प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एंटी मलेरियल ड्रग्स कौन से हैं, तो आर्टिमिसिया एन्युआ एंड सिंकोना, दीज आर दी टू एंड हर्बल ड्रग्स विच आर बिलोंगिंग टू द एंटी मलेरियल कैटेगरी। ओके, आर्टिमिसिया और सिंकोना दोनों में एंटी मलेरियल एक्टिविटी है। ओके, सिंकोना बार्क जो है उसे जेस्यूट बार्क या फिर परवियन बार्क बोलते हैं। उसके लिए बायोलॉजिकल सोर्स है, सिंकोना इज दी ड्राइड बार्क ऑफ कल्टिवेटेड ट्री ऑफ सिंकोना कैलिसाया। सिंकोना कैलिसाया नाम का जो पेड़ है उसकी जो बार्क होती है, ड्राइड बार्क हम सिंकोना करके यूज करते हैं। सिंकोना के और स्पेसिस है सिंकोना लेजेरियाना, सिंकोना ऑपिसिनालिस, सिंकोना सक्सीलुब्रा, दीज आर दी अदर स्पेसिस ऑफ दी सिंकोना। देन फैमिली है रूबियासी। ओके, इसके बारे में हमने पढ़ा है मैनुअल में, इसकी माइक्रोस्कोपी यूजेस हमने सब देखा है, इसलिए हम ये अभी नहीं पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीटोसाइसिस।
ऑक्सीटोसिक्स. ओके, दीज आर द ड्रग्स विच हैव स्टिमुलेंट इफेक्ट ऑन द मोटिलिटी ऑफ द यूटेरस. यूटेरस की जो मोटिलिटी होती है उसको बढ़ाने का काम ऑक्सीटोसिक्स करते हैं. ठीक है, द यूटेरस इज कम्पोज ऑफ स्मूथ मसल्स. यूटेरस जो होता है वो स्मूथ मसल्स से बना हुआ होता है. ठीक है, देन विच हैव ऑल स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द सेम. ओके, उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज होती हैं. देन इट शो द स्पॉन्टेनियस ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन इवन इन द प्री प्यूबर्टी एज, बट सच कॉन्ट्रेक्शन बिकम्स मोर प्रोनाउंस आफ्टर फुल मैच्योरिटी. ओके, प्री प्यूबर्टी एज जब होती है तब वो रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन उसमें होता है, लेकिन रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन जो है वो बढ़ते जाता है, अच्छा होते जाता है जब मैच्योरिटी आती है. ओके, द वेरिएशन इन द एक्टिविटी आर एग्जिबिटेड अलॉन्ग विथ मैच्योर साइकिल. ओके, जो वेरिएशन होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है उसमें जो वेरिएशंस होते हैं कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन में जो वेरिएशंस होते हैं वो एग्जिबिट होते हैं जब मैच्योर साइकिल होती है. ठीक है, द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द यूटेरस हैव द मोस्ट वायरल रोल सॉरी वाइटल रोल. द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द यूटेरस हैव द मोस्ट वाइटल रोल टू प्ले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अल्टीमेट एक्सपल्शन ऑफ अ फोइटस ड्यूरिंग परप्यूरेशन. ओके, ये जो कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन पावर है यूटेरस की, तो इसको बहुत ही उसका बहुत मेन रोल है जब प्रेगनेंसी होती है. ठीक है, प्रेगनेंसी में यूटेरस का यूटेरस के कॉन्ट्रेक्शन का बहुत ही मेन रोल होता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल है. देन द यूटेरस इज सप्लाइड विद कोलिनर्जिक एंड एड्रेनर्जिक नर्व्स. द कोलिनर्जिक नर्व्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पेल्विस नर्व्स व्हाइल एड्रेनर्जिक नर्व्स कम थ्रू पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स फ्रॉम इन्फेरियर मेसेंटेरिक एंड हाइपोगैस्ट्रिक गैंग्लिया. The effect of these nerves varies in pregnant and non-pregnant uterus. Okay, uterus जो होता है वो cholinergic and adrenergic nerves होता है. Okay, supplied with cholinergic and adrenergic nerve. Cholinergic and adrenergic nerves जो होती है वो uterus को supply करती है. Then पेल्विक नर्व्स जो होती है वो भी uterus में present होती है, वो भी represent करती है. लेकिन uterus की जो नर्व्स होती है वो उसका जो इफेक्ट होता है वो वेरी होता है प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस में. ओके, देन ऑक्सीटोसिक्स हैव अ मार्क इफेक्ट ऑन द मोटिलिटी ऑफ द यूटेरस. ऑक्सीटोसिक्स क्या करते हैं? ठीक है, थीके? तो ऑक्सीटोसिक्स जो होते हैं वो यूटेरस की जो मोटिलिटी होती है कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन पावर जो होती है उसको मार्क करते हैं, उस पर इफेक्ट करते हैं. ठीक है, थीके? तो द मोस्ट टिपिकल among them are the ergometrin from ergot and oxytocin, the oxytocin principle from posterior pituitary lobe. These are called as clinical oxytocins. Owing to their use in therapeutics, other plant drugs with oxytocin इफेक्ट आर वसाका वेसेसिन एंड सिंकोना क्विनिन. ओके, तो ऑक्सीटोसिक्स प्रॉपर्टी कौन से ड्रग्स में है? तो इर्गोट से जो मिलने वाला इर्गोमेट्रिन है और ऑक्सीटोसिन है वो इन दोनों ड्रग्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीटोसिक्स प्रॉपर्टी है. अदर देन दिस पिट्यूटरी लोब में जो ऑक्सीटोसिक्स सीक्रेट होता है वो भी यूजफुल है, उसे क्लिनिकल ऑक्सीटोसिक्स बोलते हैं. देन कुछ ऐसे ड्रग्स है जिसमें थेरापेटिकल एक्टिविटी कोई अदर है लेकिन वो भी ऑक्सीटोसिक्स प्रॉपर्टी शो करते हैं. तो वसा का जो होता है उसकी उसमें भी ऑक्सीटोसिक्स प्रॉपर्टी होती है, और सिंकोना जिसमें क्विनिन प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो उसमें भी क्विनिन और वैसेसिन जो है उसमें भी ऑक्सीटोसिक्स प्रॉपर्टी होती है. ओके, ड्रग हम देखेंगे, ड्रग है इर्गोट. ओके, सिनोनिम है इर्गोट के लिए इर्गोट ऑफ रे और इर्गोटा. बायोलॉजिकल सोर्स, इर्गोट इज द ड्राइड स्क्लेरोंटियम ऑफ अ फंगस. ओके, स्क्लेरोंटियम ऑफ फंगस क्लेविसेप्स परपुरिया. क्लेविसेप्स परपुरिया फंगस जो है उससे हमें इर्गोट मिलता है. ठीक है, फैमिली है हाइपोक्रेसी. देन हिस्ट्री है इसके लिए,
ऑब्स्टेक्रीस यूज ऑफ इर्गॉट वॉज नोन इन 16th सेंचुरी. ओके, सो 16th सेंचुरी में इर्गॉट का हमें पता चला कि वो किस लिए यूजफुल है. देन बट द ड्रग वॉज नॉट वाइडली एम्प्लॉयड अंटिल द 19th सेंचुरी. 16th सेंचुरी में इर्गॉट जो होता है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है ये तो हमें पता चला, ये फाइंड आउट किया गया, लेकिन अभी तक इसका जो वाइड यूज था, मीन्स इर्गॉट का यूज इतना नहीं होता था, 19th सेंचुरी में उसका यूज बढ़ गया. ठीक है, एम्प्लॉयड होने लगा, उसको अप्लाई करने लगे. ठीक है, इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन टू लंडन फार्माकोपिया इन 1836. ओके, इर्गॉट जो है उसके यूजेस तो पता हुए 16th सेंचुरी में, लेकिन 18th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम लंडन फार्माकोपिया में इसको रजिस्टर किया गया. बाद में वो डेवलप होते गया और सबको पता चलते गया, सब अप्लाई करने लगे, तब वो इंडियन एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया में आने लगा. ठीक है, फर्स्ट किसमें वो रजिस्टर हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है, लंडन फार्माकोपिया. ओके, जियोग्राफिकल सोर्स क्या है, इर्गॉट इज प्रोड्यूस इन रशिया. इर्गॉट रशिया में पोर्तुगाल, स्पेन, जर्मनी, हर्गनी, योगोस्लेविया एंड इंडिया, यहाँ पे इर्गॉट जो होता है ये आता है. कल्टिवेशन एंड कलेक्शन, इर्गॉट इज अ फंगल ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शंस, ग्रोथ एंड इन्फेक्शन ऑफ द सेरियल रे. ओके, इर्गॉट क्या है, एक फंगल ग्रोथ है, फंगस है एक, जो जिसका इन्फेक्शन कॉज किया जाता है. ड्यू टू इन्फेक्शन द यील्ड ऑफ द फूड ग्रेन रे मे बी इवन रिड्यूस्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 20%. ओके, फंगल ग्रोथ जब रे पे होती है तो उसके जो प्रोडक्शन है वो 20% कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. द एस्कोपोरस आर डेवलप्ड इनटू वेरियस कॉलोनीज इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम डाइल्यूटेड विद अ वाटर एंड स्प्रे ओवर द क्रॉप ऑफ रे. ओके, तो एस्कोपोरस जो है वो डेवलप्ड इनटू द वेरियस कॉलोनीज, उसको वेरियस कॉलोनीज में डेवलप किया जाता है. जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है वहाँ पे वो कॉलोनीज फॉर्म करता है, उस पे डाइल्यूटेड विद वाटर, उसको वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है और पूरे क्रॉप पे, रे का जो क्रॉप होता है उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, जिससे उसकी कॉलोनीज जो होती है उसे फॉर्म होने में हेल्प होती है. द गुड नंबर ऑफ स्क्लेरोडिया आर प्रोड्यूस ऑन ईच स्पाइक ऑफ रे. रे के जो स्पाइक होते हैं वहाँ पे वो अच्छे से प्रोड्यूस होते हैं. देन फॉल ऑन द ग्राउंड एंड आर कलेक्टेड. जब वो ग्राउंड पे फॉल होते हैं, गिर जाते हैं, तब उनको कलेक्ट किया जाता है. ठीक है, देन प्रिपरेशन फॉर द मार्केट. दिस क्लेरोंटिया आर आइदर कलेक्टेड बाय हैंड और सेपरेटेड बाय पुटिंग देम इन 30% ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. हैंड से भी उसको कलेक्ट करते हैं या फिर सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है उससे उसमें उसको डालते हैं. वेयर इन इर्गॉट फ्लोट्स, इर्गॉट जो होता है वो उस पर फ्लोट होता है. द फ्लोटेशन मेथड इज वेरी इफेक्टिव एंड लेबर सेविंग एज कंपेयर टू अदर मेथड्स अडॉप्टेड कमर्शियली. ये जो फ्लोटेशन मेथड होती है ये बहुत ही इफेक्टिव है और लेबर सेविंग है, ज़्यादा लोग इसके लिए नहीं लगते. आफ्टर कलेक्शन द स्क्लेरोंटिया आर ड्राइड थर्ली एंड स्टोर प्रॉपरली इन सुटेबल कंटेनर्स. आफ्टर कलेक्शन, कलेक्शन होने के बाद में फ्लोटिंग मेथड से या फिर सोडियम क्लोराइड में हम उसको डालते हैं या फिर कलेक्ट करते हैं मैन्युअली. कलेक्शन होने के बाद में जो स्क्लेरोंडिया होता है उसको ड्राई किया जाता है और प्रॉपर सुटेबल कंटेनर में उसको स्टोर किया जाता है. ठीक है, देन लाइफ साइकिल ऑफ द इर्गॉट. इर्गॉट का लाइफ साइकिल क्या है. फर्स्ट, इर्गॉट इज अ फंगल ग्रोथ. इर्गॉट क्या है, एक फंगल ग्रोथ है. लाइफ साइकिल इज रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड सो एज टू प्रोड्यूस द ड्रग कमर्शियली बाय आर्टिफिशियल मीन्स. अगर हमें आर्टिफिशियल मीन्स से उसको कलेक्ट करना है, उसको प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हमें उसकी लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए. इर्गॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन दिस स्टेजेस ऑफ विच वन इज इन द होस्ट. दिस स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल आर डिस्क्राइब्ड. ओके, लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करने के लिए कुछ स्टेप्स है, कुछ स्टेजेस दिए हुए हैं. पहले तो जो इर्गॉट है उसके लिए वो फंगस है, तो फंगस को ग्रो होने के लिए होस्ट चाहिए. ठीक है, फंगल कहाँ पे ग्रो होते हैं, होस्ट के ऊपर वो ग्रो होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज है ओवर
विंटरिंग स्टेज, ओवर विंटरिंग स्टेज। सेकंड स्टेज है स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन नेक्स्ट इज स्टेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ईरगॉट का जो लाइफ साइकिल है उसके तीन स्टेजेस होते हैं, विंटरिंग स्टेज, स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड स्टेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द स्क्लेरोन्टिया आर प्रोड्यूस इन द लेट समर। स्क्लेरोन्टिया कब प्रोड्यूस होता है? लेट समर में स्क्लेरोन्टिया जो है वो प्रोड्यूस होता है। देन दे फॉल ऑन द ग्राउंड इन एब्डोमेन। देन वो जो स्क्लेरोन्टिया प्रोड्यूस होता है समर में वो फिर ग्राउंड पे फॉल होता है, ग्राउंड पे गिरता है। बाद में व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द जर्मिनेशन आर अवेलेबल, दे दिस स्क्लेरोन्टिया जर्मिनेट इन अ स्प्रिंग टू प्रोड्यूस स्मॉल पर्पल कलर्ड स्टॉक्स व्हिच ऑन फर्दर ग्रोथ फॉर्म अ फ्लैटन स्फेरिकल स्टोमेचिक हेड एट द टॉप। ओके, पहले तो वो स्क्लेरोन्टिया जो होता है वो समर में, लेट समर में प्रोड्यूस होता है, उसके बाद में वो ग्राउंड पे गिरता है, फिर फेवरेबल कंडीशन जब उनको मिलती है तब उसका उनका जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन होने के बाद में उनको एक स्मॉल हेड आता है, वो फ्लैटन हेड में कन्वर्ट होता है और उसके जो स्टॉक्स होते हैं, जो हेड है उसको पर्पल कलर आता है, स्टॉक को भी पर्पल कलर आता है। ठीक है, देन द हेड ऑफ द स्टोमा कंटेन्स सेवरल फ्लास्क शेड कैविटीज विच आर नोन एज द पेरिन्थेसिया, पेरिन्थेसिया। ओके, तो हेड जो होता है वहाँ पे स्ट्रोमा जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, फ्लास्क शेप के स्ट्रोमा कैविटीज फॉर्म होते हैं और वो जो कैविटीज होते हैं उनको बोलते हैं पेरिथिया, पेरिथेसिया। ओके, ईच पेरिथेसियम कंटेन्स दी सेवरल इलोंगेटेड एसी। ओके, पेरिथेसियम फॉर होता है, देन स्ट्रोमा फॉर्म होता है। ओके, उसके बाद में पेरिथेसियम के साथ में एसी फॉर्म होते हैं। ठीक है, ईच एसी कंटेन्स एट थ्रेड लाइक एस्कोपोरस। ओके, बाद में जो ऐसे होते हैं उसमें से एस्कोपोरस फॉर्म होते हैं। ठीक है, ऐसे में से क्या फॉर्म होते हैं? एस्कोपोरस फॉर्म होते हैं। एस्कोपोरम्स कम आउट ऑफ द पेरिथेसियम, पेरिथेसियम से जब एस्कोपोरम फॉर्म होते हैं वो डिस्पर्स बाय द एयर करंट। ओके, करंट एयर में वो डिस्पर्स हो जाते हैं। द डिस्पर्स ऑफ एस्कोपोरस स्टॉक्स टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग ऑफ द रे प्लांट द होस्ट। ओके, जब रे प्लांट में फ्लावर्स आने लगते हैं तब ये जो एस्कोपोरस होते हैं उनको उन प्लांट पे डाला जाता है। द एस्कोपोरस बिकम्स इलोंगेटेड एंड द फीदरी स्टिग्मा ऑफ द होस्ट एंड प्रोड्यूस द मैसेलिया विच पेनेट्रेट थ्रू द ओवरी। द मैसेलिया गिव्स राइज टू कोनिडिया प्रोड्यूस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओवरी। द हनी ड्यू इज स्वीट इन टेस्ट एंड अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स अलॉन्ग विथ हनी ड्यू। कोनिडिया आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय इंसेक्ट्स। दिस स्टेजेस इज आइदर नोन एज द हनी ड्यू स्टेज और द स्पेसेलिया स्टेज। ओके, जब ये एस्कोपोरस फॉर्म होते हैं तो ये जो एस्कोपोरस होते हैं वो रे प्लांट पे आते हैं। रे प्लांट इज द होस्ट फॉर द फंगल ग्रोथ। रे प्लांट जब फ्लावरिंग स्टेज में होता है तब उसके ऊपर फंगल ग्रोथ होती है। ठीक है, ये जो एस्कोपोरस होते हैं ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कैसे जाते हैं या फिर इनकी मूवमेंट कैसे होती है? तो एस्कोपोरस जो होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, तो उनकी तरफ हनीड्यू जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उसमें क्या होती है, तो उसमें कुछ स्वीट टेस्ट होती है। उनकी टेस्ट कैसी होती है? स्वीट होती है। ठीक है, तो पहले तो ये स्टेरिग्मा में कन्वर्ट होते हैं, एस्कोपोरस स्टेरिग्मा में कन्वर्ट होते हैं रे प्लांट पर। देन माइसेलियम कोडिनिया कोनिडिया फॉर्म करते हैं। ठीक है, ओवरी फॉर्म करते हैं और ये जो माइसेलियम कोनिडिया है वो स्वीट टेस्ट का होता है और अट्रैक्टिव होता है, इसमें इंसेक्ट्स आके बैठते हैं। ठीक है, तो जो हनीड्यू होती है वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, फिर वो अपने साथ में हनीड्यू अपने साथ में कोनिडिया जो होता है उसको कैरी करती है एक प्लेस से अनदर प्लेस पर, देन उसका प्रोडक्शन बढ़ते जाता है। ठीक है, इसको हनीड्यू स्टेज भी बोलते हैं या फिर स्पेसिलिया स्टेज
भी बोलते हैं, ठीक है। इन द सेकंड स्टेज, देन सेकंड स्टेज जो होती है हुई फर्स्ट स्टेज विंटरिंग, देन सेकंड स्टेज जो होती है उसमें हाइफे पेनेट्रेट डीपली इनटू द ओवरी एंड डेवलप्ड इनटू द मास कवरिंग द एंटायर ओवरी व्हिच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इलांगेटेड स्क्लेरोंटियम। ओके, देन सेकंड स्टेज में हाइफे जो होते हैं वो ओवरी में पेनेट्रेट होते हैं, फिर वहाँ पे कुछ कवरिंग मास फॉर्म करते हैं ओवरी के ऊपर, देन इलांगेटेड स्क्लेरोंटियम वहाँ पे फॉर्म होते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, इलांगेटेड स्क्लेरोंटियम। देन दिस स्टेज इज नोन एज द स्क्लेरोंटियम स्टेज, इसको स्क्लेरोंटियम स्टेज भी बोलते हैं। देन स्क्लेरोंटियम डेवलप फर्दर अटेन द मैक्सिमम साइज एंड फॉल ऑन द ग्राउंड अलॉन्ग विद द सीड ऑफ द होस्ट। ओके, ये जो स्क्लेरोंटियम्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, देन मैक्सिमम साइज जब वो अटेन कर लेते हैं तो जब होस्ट जो है या फिर रे प्लांट जो है उसके जो सीड्स जमीन के ऊपर गिरते हैं, ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं, तो उसके साथ में ये जो स्क्लेरोंटियम्स है वो भी जमीन के ऊपर गिरते हैं। ओके, दिस इज दी लाइफ साइकिल ऑफ द ईरगॉट। ईरगॉट का ये क्या है, लाइफ साइकिल है। ईरगॉट क्या है, फंगल ग्रोथ है जो रे प्लांट पर होती है। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कलर एक्सटर्नली अगर हम फंगस का ईरगॉट का कलर देखेंगे तो एक्सटर्नली डार्क वॉलेट टू ब्लैक कलर का होता है, डार्क वॉलेट कलर का या फिर ब्लैक कलर का होगा। इंटरनली अगर हम देखेंगे तो इट इज व्हाइटिश और पिंकिश व्हाइट, व्हाइट या फिर पिंकिश व्हाइट कलर का। देन ऑर्डर जो होती है वो डिसएग्रीएबल एंड फेंट होती है, डिसएग्रीएबल एंड फेंट। टेस्ट जो है वो अनप्लीजेंट है, ठीक है। साइज, स्क्लेरोंटिया जो होता है वो 1-3 सेंटीमीटर लेंथ का होता है और 1-5 mm विड्थ का होता है, ठीक है। देन शेप जो होते हैं, स्क्लेरोंटिया आर फुसी फॉर्म ट्रायंगुलर यूजुअली टैपरिंग ऑन दी एंड, एंड की तरफ वो कैसा होता है, टैपरिंग होता है। फ्रैक्चर्स, इट इज ब्रिटल विथ शॉर्ट फ्रैक्चर्स। ओके, ब्रिटल विथ शॉर्ट फ्रैक्चर्स। ईयर ऑफ रे ट्रांसफर क्रैक्स स्क्लेरोंटिया ईरगॉट। ओके, एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल फ्यूरोज एंड ट्रांसफर क्रैक्स आर प्रेजेंट ऑन ईच सरफेस। हर एक जो सरफेस होता है उसके ऊपर लॉन्जिट्यूडिनल फ्यूरोज होते हैं और ट्रांसफर क्रैक्स होते हैं, ठीक है। ये जो है ईयर ऑफ रे है, रे का एक ईयर दिया हुआ है। ट्रांसफर क्रैक्स कैसे होते हैं, तो ऐसे टैपरिंग होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस स्क्लेरोंटियम इज मेड अप ऑफ फ्यू थीन फ्लैटेंड पॉलीगोनल सेल्स ऑफ पर्पल टू डार्क ब्राउन कलर। ओके, पर्पल या फिर डार्क ब्राउन कलर के पॉलीगोनल सेल्स होते हैं, वो फ्लैटेंड होते हैं फर्स्ट लेयर स्क्लेरोंटियम की। देन व्हाइल इनर पार्ट जो होता है, ये आउटर पार्ट के बारे में देखा हमने, इनर पार्ट जो होता है वो डेंस एंड सुडो पैरेन्काइमेटस सेल्स से बना हुआ होता है, उसमें चिटिन प्रेजेंट होता है, कंपोज्ड ऑफ चिटिन। देन माइसेलियल सेल्स जो होते हैं, सेंट्रल रीजन जो होता है, आर राउंड और ओवल, जो बीच के जो सेल्स होते हैं माइसेल सेल्स, सेंट्रल रीजन के जो सेल्स होते हैं वो ओवल होते हैं एंड राउंडेड होते हैं, थिक होते हैं, हाई रिफ्रैक्टिव वॉल होते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो कंटेंस सेल्स विथ फिक्स ऑयल्स, उसमें फिक्स ऑयल्स के कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्क्लेरोटियम डज नॉट कंटेन स्टार्च, स्क्लेरोटियम में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होती, कैल्शियम ऑक्सलेट और एनी अदर लिग्निफाइड टिश्यूज नहीं होते, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स नहीं होते, उसमें स्टार्च भी नहीं होते। ओके, ऑयल ग्लोबल्स होते हैं और मिसलेनियस मीन्स जो इनर सेल्स होती है, सेंट्रल सेल्स होती है, मिसेलियल सेल्स। ओके, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें इंडोल अल्कोलाइड प्रेजेंट होते हैं 0.2-0.25%। ओके, 6 आइसोमेरिक पेयर्स ऑफ इंडोल अल्कोलाइड्स प्रेजेंट होती है, जिसको नॉन थेरापेटिक इफेक्ट है। ओके, गुड क्वालिटी ऑफ इरगॉट शुड कंटेन नॉट लेस देन 0.19% ऑफ टोटल अल्कोलाइड। ओके, अगर प्योर क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का इरगॉट है तो उसमें 0.19% टोटल अल्कोलाइड्स प्रेजेंट होंगे। ओके, अल्कोलाइड्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड किए जाते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड वाटर इनसोल्यूबल अल्कोलाइड्स। ओके, वाटर सोल्यूबल अल्कोलाइड्स जो है उसमें इरगोमेट्रिन ग्रुप के अल्कोलाइड्स आते हैं, ठीक है। देन
रेस्ट ऑफ द अल्कलॉइड्स आर वाटर इनसोल्यूबल. ओके, इर्गोमेट्रिन जो है वाटर सोल्यूबल है, अदर जो है वो वाटर इनसोल्यूबल है. वो किस में से सोल्यूबलाइज होते हैं, तो ईथर में सोल्यूबलाइज होते हैं. द एक्टिव अल्कलॉइड्स आर लिवो रोटेटरी. एक्टिव अल्कलॉइड्स जो है वो लिवो रोटेटरी है एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है. ठीक है, सॉरी, एक्टिव अल्कलॉइड्स जो है वो लिवो रोटेटरी है एंड डेक्स्ट्रो अल्कलॉइड्स जो है वो थेरापेटिकली इनएक्टिव है. ठीक है, ऐसे कौन से अल्कलॉइड्स है जो लिवो रोटेटरी है या फिर एक्टिव है, तो इर्गोमेट्रिन जो है, या फिर इर्गोमेट्रिन, इर्गोटामाइन, इगोसिन, इगोक्रिस्टिन, इगोक्रैप्टिन, इगोकॉर्निन, दीज आर दी व्हाट लिवो रोटेटरी अल्कलॉइड्स. इर्गोमेट्रिन जो है वाटर सोल्यूबल है, अदर जो है वो वाटर इनसोल्यूबल है. देन डेक्स्ट्रो रोटेटरी अल्कलॉइड्स में इर्गोमेट्रिनिन, इर्गोटामिनिन, इर्गोसिनिन, इर्गोक्रिस्टिनिन, इर्गोक्रिप्टिनिन एंड इर्गोकॉर्निनिन. ओके, उसमें से इर्गोमेट्रिनिन जो है वो वाटर सोल्यूबल है और अदर जो है वो वाटर इनसोल्यूबल है. ओके, इसके अलावा भी लाइसर्जिक एंड आइसोलाइसर्जिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है. अमाइनो अल्कोहल्स एंड अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. देन अदर कुछ अल्कोलाइड्स और कुछ ड्रग्स उसमें प्रेजेंट है, लाइक इर्गोक्रिस्टिन, इर्गोक्रिप्टिन, इर्गोकॉर्निन. देन येलो कलरिंग सब्सटेंसेस लाइक स्कैलोनिक एसिड उसमें प्रेजेंट है. क्लेरेरेथ्रिन रेड कलर सब्सटेंसेस उसमें प्रेजेंट है. फैट्स प्रेजेंट होते हैं अबाउट 30%, 1% इर्गोस्टेरॉल एंड फंगिस्टेरॉल उसमें प्रेजेंट होता है. एंड इर्गोट जो होता है, या फिर इर्गोट के जो सेल वॉल्स होते हैं वो चिटिन से बने हुए होते हैं, मींस उसमें चिटिन भी प्रेजेंट होता है. येलो कलरिंग मैटर, रेड कलरिंग मैटर, चिटिन, फैट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. केमिकल टेस्ट क्या है? केमिकल टेस्ट फॉर द इर्गोट, टू डिफेट इर्गोट पाउडर को हम डिफेट करेंगे. देन ऐड 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, उसमें 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे. हीट करेंगे 170 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 1 आवर, एक घंटे के लिए उसको हीट करेंगे. बाद में कूल करेंगे, वॉश करेंगे. देन विथ अल्कोहल एंड टू इट ऐड फर्स्ट आयोडीन सोल्यूशन. ओके, उसको वॉश करेंगे अल्कोहल से, देन उसमें आयोडीन सोल्यूशन हम ऐड करेंगे. देन 20% H2SO4 ऐड करेंगे. वॉलेट कलर प्रोड्यूस होता है इर्गोट में. सेकेंड टेस्ट है, एक्सट्रैक्ट 1 ग्राम ऑफ पाउडर ऑफ इर्गोट विथ 10 ml सॉल्वेंट ईथर. ओके, 1 ग्राम पाउडर को हम 10 ml सॉल्वेंट ईथर से एक्सट्रैक्ट करेंगे. उसमें 0.5 ml डायलूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे. उसको फिल्टर करेंगे. जो एक्सट्रैक्ट है उसका जो फिल्ट्रेट है उसमें 1 ml कोल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, कोल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे. एक्वियस लेयर जो होती है उसको रेड टू वॉलेट कलर आता है, रेड या फिर वॉलेट कलर आता है ड्यू टू स्क्लेरिन 3. ओके, नेक्स्ट टेस्ट है, इन अल्ट्रावॉलेट लाइट जो पाउडर है इर्गोट की, उसको अल्ट्रावॉलेट लाइट में हम ऑब्जर्व करेंगे. शो दी रेड फ्लोरोसेंस, वो रेड फ्लोरोसेंस शो करती है. नेक्स्ट टेस्ट है, एक्सट्रैक्ट इर्गोट. इर्गोट को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म और सोडियम कार्बोनेट से. जो एक्सट्रैक्ट है उसमें पैराडाइमिथिल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड जो है उसको ऐड करेंगे. देन 35% H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, 0.5% फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन ऐड करेंगे. ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है. इर्गोटॉक्सिन टेस्ट इसको बोलते हैं, इर्गोटॉक्सिन टेस्ट. ओके, यूजेस क्या क्या है? ओके, इर्गोट इज यूज्ड इन लेबर टू असिस्ट डिलीवरी एंड टू रिड्यूस द पोस्ट पैरेथ्रम हिमरेज. पोस्ट पार्टम हिमरेज जो होता है, पोस्ट पार्टम हिमरेज जो होता है उसको, उसमें भी इर्गोट यूज किया जाता है और लेबर पेंस में भी यूज किया जाता है डिलीवरी के वक्त. ओके, देन माइग्रेन के ट्रीटमेंट में भी इर्गोटामाइन यूज़ किया जाता है. इर्गोमेट्रिन जो है वो इर्गोमेट्रिन को इर्गोनोविन भी बोलते हैं यूएसए में. इट इज़ अ ऑक्सीटोसिस. इर्गोनोविन या फिर इर्गोमेट्रिन जो है वो ऑक्सीटोसिस है. वो फास्टर यूरिनेशन
सॉरी फास्टर यूरिन को स्टिमुलेट करता है, उसमें जो अल्कोलाइड्स प्रेजेंट है। देन इर्गोमेट्रिन जो है वो उसमें मिथिल ग्रुप अगर है, इर्गोमेट्रिन इंक्रीज विद मिथिल ग्रुप, एक्टिविटी जो हुई है इर्गोमेट्रिन की जो एक्टिविटी है वो मिथिल ग्रुप के साथ में इंक्रीज हो जाती है। अगर इर्गोमेट्रिन में मिथिल ग्रुप है तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देन इर्गोटामाइन एंड सेमी सिंथेटिक डाईहाइड्रो इर्गोटामाइन साल्ट, इर्गोटामाइन एंड सेमी सिंथेटिक डाईहाइड्रो इर्गोटामाइन साल्ट एम्प्लॉयड एज अ एनाल्जेसिक। ओके, इर्गोमिनिन इर्गोटामाइन एंड सेमी सिंथेटिक डाईहाइड्रो इर्गोटामाइन साल्ट जो है वो एनाल्जेसिक्स है, माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। देन लैसेरिक एसिड एंड डाई इथिलामाइड जो है LSD-25 प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लैसेरिक एसिड, ये लैसेरिक एसिड से प्रिपेयर किया जाता है, ये हेलोसिनोजेनिक है। ठीक है, हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी इसमें है। ओके, नाउ स्टोरेज कंडीशन, इर्गॉट को हम स्टोर कैसे करेंगे? तो इर्गॉट को हम पहले ड्राई करते हैं, देन उसको अच्छे कंटेनर में पैक करके कूल प्लेस पर रखते हैं। इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, वेल क्लोज कंटेनर में हम उसको रखेंगे। इर्गॉट अल्कोलॉइड्स जो होते हैं वो वेरी सेंसिटिव होते हैं मॉइस्चर को, ठीक है, इसलिए हम उसको ड्राई प्लेस पर रखेंगे। देन ब्रोकन स्क्लेरोंटिया आर वेरी ससेप्टिबल टू दी फंगल ग्रोथ एंड हेंस ब्रोकन पीसेस शुड नॉट बी स्टोर एट लो टेम्परेचर इन कूल प्लेस अवे फ्रॉम द लाइट। ओके, जो भी ब्रोकन स्क्लेरोंटिया होते हैं वो बहुत ही ससेप्टिबल होते हैं, उसमें फंगल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है ब्रोकन स्पीसेस में, इसलिए हम जो ब्रोकन स्पीसेस होते हैं उसको लो टेम्परेचर पर कूल प्लेस पर रखेंगे और लाइट जो है सनलाइट जो है उससे अवे रखेंगे। द पाउडर इर्गॉट इज ब्रोकन स्पीसेस को हम लो टेम्परेचर पे कूल प्लेस पे और सनलाइट में नहीं रखेंगे, और लाइट में नहीं रखेंगे। ओके, अवे फ्रॉम लाइट नहीं रखेंगे। द पाउडर इर्गॉट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर, पाउडर इर्गॉट को अगर स्टोर करना है तो डिफेट उसको डिफेट किया जाता है फर्स्ट, बाद में उसको स्टोर किया जाता है। अदरवाइज कंपोजिशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स टेक प्लेस, या फिर डीकम्पोजिशन किया जाता है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, बाद में उसको स्टोर किया जाता है। ओके, दिस इज अबाउट द इर्गॉट विच इज द ऑक्सीटोसिस ड्रग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज विटामिन्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।